हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजभर प्लेइंग में। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना गेमिंग चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। जब मेरा गेमिंग चैनल रिव्यू में गया तो 2 महीनों बाद मुझे एक मेल आता है और मेल में लिखा होता है कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं किया गया है। और वो मेल मैंने पूरा पढ़ा और उसमें एक सबसे नीचे ये लिखा हुआ था कि 30 दिनों बाद आपका रिप्लाई का ऑप्शन खुल जाएगा। रीअप्लाई करने से पहले मैंने अपने कुछ वीडियोस को देखा, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस वीडियोस में कीवर्ड्स और टैग्स में मिस्टेक है, उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स थे, जहाँ हैकिंग किल्स अटैक्स जैसे टाइटल और कीवर्ड्स थे, मैंने उन सब कुछ चेंज कर दिया। और कुछ हैकिंग के वीडियोस थी, वो भी मैंने डिलीट कर दी। वीडियोस डिलीट करने के बाद मेरा वॉच टाइम घट गया। उसके बाद मैंने हर दिन एक एक वीडियो अपलोड करना शुरू करा, जिसकी वजह से मुझे हर दिन एक एक वीडियो पे 2 घंटे वॉच टाइम मिल जाया करता था। ऐसा करते करते 2 महीनों बाद मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने रीअप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। 4 से 5 दिन बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 1 हफ्ते बाद मुझे यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन अनेबल की मेल आ गई। और मैं आपको यूट्यूब की तरफ से भेजा हुआ मेल भी दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको अपना वीडियो मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरी वीडियोस पर मोनेटाइजेशन अनेबल हो गया है।